वाणी एक बार और रुकिए ना, मैं भी आती हूँ। रुकिए ना, अरे आ रही हूँ खाना। वाणी आओ ना। वाणी जरा एक गिलास गर्मा गर्म दूध लेकर आओ ना, आज मैं बहुत मूड में हूँ। नहीं जी, बस कीजिए। कहा ना दूध लेकर आओ, मेरा मूड खराब मत करो, जाओ। सुनिए, बिजली चली गई है, जरा माचिस दीजिए। ये लो। सुनिए, दोपहर को ही गैस खत्म हो गई थी। फोटो को क्यों मार रहे हो? इस फोटो में जो है इसे बदला लेना है। कौन है ये? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके मुझे सड़क पर लाने वाला राक्षस, मोहन नाम है इसका। मोहन? हाँ। जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज में मेरी बहन से प्यार करके उसे माँ बनाकर भाग गया वहाँ से। बहन, अगर इसे निकाल दोगी तो मर जाओगी तुम। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है भैया। बहन? नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे प्यार से, जिंदगी से नफरत हो गई है। अब मैं मर जाना चाहती हूँ भैया। गलत उसने किया है तो सजा तुम क्यों भुगतोगी? भैया, जिसने मुझे धोखा दिया उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, सोचा था जब वो मिलेगा तब इस चाकू से उसे मार दूंगी। अगर वो मुझे ढूंढते हुए वापस आया तो इस बच्चे को उसे सौंप देना, और अगर वो बदल गया हो तो उस राक्षस को मार देना भैया। भैया, आज से इस बच्चे के माँ बाप तुम ही हो भैया। बहन, तब से मैं उसके इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर उससे अपनी बहन की बर्बादी का बदला लेने के लिए सड़क पे घूम रहा हूँ। ए उहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पता है ना? क्या हुआ, तुम उदास क्यों? हमारे पास दिल है इसलिए हमें इंसान कहा जाता है, लेकिन कुछ इंसान तो हैवान होते हैं, ये मुझे आज पता चला। किसकी किसकी बात कर रही हो तुम हुआ? औरतों को जो आईने की तरह यूज करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसको जो तोड़ देते हैं उनकी बात कर रही हूँ। हुआ, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे गुस्से में क्यों? ये गुस्सा नहीं है मोहन, आक्रोश है। मर्दों के हाथों बलि चल जाने वाली स्त्री जाति का आक्रोश है ये। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। अली नाम का एक लड़का स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, उसकी बहन के साथ किसी ने प्यार करने का नाटक किया, वो गर्भवती हो गई, वो लड़का उसे छोड़ गया और उस बेचारी की जान चली गई। उस लड़के ने जो गलती की उसकी वजह से आज उसकी बेटी बिन माँ बाप के पल रही है। उसका भाई होने के नाते अली उस बच्ची को लेकर दर दर भटक रहा है, अपने भविष्य के बारे में सोचे बिना उस बच्ची का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है।
लेकिन वो लड़का तो 3 जिंदगियों को बर्बाद करके अपनी जिंदगी किसी और के साथ खुशी खुशी जी रहा है, और अब अली उससे बदला लेने के इरादे से घूम रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। अरे इतना दूर क्यों जाना? तुम अपने अंकल की बेटी के बारे में तो जानते ही हो। उस दिन मैंने खुद देखा था उसके शरीर पर कितने घाव थे। ऐसी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो बेचारी रोज अपने पति के हाथों बलि चढ़ रही हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, अली की बहन को जिसने धोखा दिया उसका नाम भी मोहन है और तुम्हारा नाम भी मोहन है। दोनों का नाम एक है लेकिन दोनों फिर भी कितने अलग हैं। तुम जैसा लड़का किसी का पति हो तो उसे पूछने का दिल करेगा, लेकिन अगर उसके जैसा पति हो तो ऐसे पति की बलि चढ़ा देनी चाहिए। बोस भैया, Hey, उस दिन औरतों के सामने हमारा अपमान किया था ये आदमी भैया। हाँ भैया, ये इसलिए तो मैंने गाड़ी रोकी। आज इसे सबक सिखाते हैं, जिंदगी में दोबारा किसी को भाषण नहीं सुनाएगा। ठीक है भैया। भैया खाना खाकर कितने दिन हो गए? मेरी वजह से आज आपको मार भी खानी पड़ी ना। न्याय पर चलने वाले पर इल्जाम और धर्म पर चलने वाले को मार पड़ती ही है बहना। मेरे घर के सामने हुआ तो मैंने बचा लिया, अगर कहीं और होता तो क्या होता? जो मौत से डरता है मौत हमेशा उसके पीछे रहती है। मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए सिद्धि बनकर घूम रहा हूं। आप इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर क्यों इस तरह से इस बच्चे को ऐसे लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं? देखो बहना, मुझसे जो भी मिलता है वो मेरी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो वो महाभारत से भी बड़ी कहानी हो जाएगी, और उसे सुनकर ना तो तुम अपना दुख दिखा पाओगी और ना ही दया। अपने ही लोगों के बारे में जानना गलत नहीं है भैया। ठीक है तो पहले तुम बताओ, उस दिन तुम्हारे शरीर पे मार का निशान कहाँ से आया? बोलो, तुम्हारे पति ने मारा था ना? अरे नहीं 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 नहीं, उस दिन तो मेरा पैर फिसल कर गिर। मुझे पता है, औरत कभी अपने घर की बातों को बाहर नहीं लाना चाहती, उसी तरह मैं भी अपने हकीकत को कभी बाहर नहीं लाना चाहता, वो अंदर ही ठीक है। तुम देखने में ही बहुत भोली हो, आखिर तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे ऊपर उठा कैसे? सुनिए भैया, आज के जमाने में किसी में भी सीता माता जितना सब्र नहीं होगा। संसार चलाना मुश्किल होता है, पति ने मारा है अगर ऐसा पत्नी कहेगी तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? अगर पति अच्छा है तो बीवी को भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन अगर पति बुरा है तो फिर बीवी को भी वैसे ही होना चाहिए, तभी आज के जमाने में एक औरत सुकून से जी सकती है। मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हें यह सलाह दे रहा हूँ। तुमने जो प्यार दिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलता हूँ, चल बेटा।